गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? गुड। आप लोग इसी तरह मजे में रहिए, खुश रहिए, और साथ ही साथ एक ही चैनल जिसका नाम है विक्रम ट्यूटोरियल देखना ना भूलें। तो कैसा लगता है आप लोग को मेरा चैनल? बहुत अच्छा ना? गुड। इसी तरह पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अपना कर्तव्य बिल्कुल ना भूलिए। क्रिकेट खेलते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई पे फोकस जरूर करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। और जानते हैं ये सारे प्रश्न जो आपको एग्जाम में मिलेगा, रेलवे में, एसएससी में, बैंक में या अदर भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आप लोगों को कोई टेंशन लेना नहीं है। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ पार्ट 1, कल मैं लाऊंगा आप लोग के लिए पार्ट 2। और जानते हैं इस तरह के प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिल ही सकता है। आप लोग बस लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग के लिए मैं लाऊंगा बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, आप नाव, स्टीमर, बोट, नौका, व्यक्ति, नाविक, सबकी चाल को क्या मान लीजिएगा? एक्स। वैसे मैं आप लोग को शुरू में बताया था कि एक्स नहीं मानिए, लेकिन जरूरत है, जरूरत पे तो आप लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है? और उतना लंबा में हमेशा मैं आपको बताया हूं कि प्रश्न हमेशा छोटा से छोटा में बनाइएगा। ओके, क्यों बनाइएगा? क्योंकि आपके एग्जाम की बात है। और जल प्रवाह या धारा की चाल जो है वाई मान लीजिए, ये दोनों को पहले सेट कर लीजिएगा, किसी भी हिसाब को बनाने के लिए ये दोनों सेट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दो चीजें और, एक धारा के अनुकूल या धारा के साथ या अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम, सब एक ही चीज होता है और उसको मानते हैं x+y, ठीक? और धारा के विपरीत जो चाल होता है वो x-y। ये दो चार जो बातें बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट का पता चलेगा? जब आप लोग आप क्वेश्चन बनाइएगा। आप साथ ही साथ चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र कभी मत भूलिएगा। और इसी फॉर्मूला पे दो फॉर्मूला और है, इसको भी याद कर लीजिएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये जब जैसे ही आप ये तीनों को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, तब देखिए आपको कितना मजा आने वाला है नाव एवं धारा में। बस इसी तरह पढ़ते रहिए, बंदास रहिए, मजा लीजिए, पढ़ते रहिए, मिजाज में रहिए, मिजाज को हरा भरा रखिए। और अगर हरा भरा नहीं हो तो चैनल मेरा लगातार देखिए, आपका मन हरा भरा हो जाएगा, आप बिंदास हो जाएंगे, परेशान नहीं रहेंगे। अगर परेशान हैं तो परेशानी को भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लगा समय। देखिए एक चीज जरूर बोलेगा, धारा की दिशा में बोलेगा या धारा के विपरीत दिशा में बोलेगा, ये चीज आपको क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा। और कभी दोनों भी दिया रहेगा, जैसा बोलेगा वैसे की करेंगे। धारा की दिशा में बोल रहा है कितना समय लगा, तो समय बराबर जानवे करते हैं दूरी बटे चाल। और धारा की दिशा में दूरी दे दिया 68, और धारा की दिशा में चाल अभी बताया ऊपर में कि x+y, x का मान 13 था और y का मान 4 था, तो दोनों जोड़ कितना आ गया समय, कितना? 4 घंटा। 4 घंटा आपका आंसर हो गया। समझ पाए हैं? नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की रफ्तार यानी धारा की गति पूछ रहा है। तो वही सूत्र, दूरी और चाल गुने समय। दूरी दिया हुआ था 60, ठीक है, और ये धारा के विपरीत दिशा में है, इसलिए ये हो गया नाव का गति, मोटर बोट की गति माइनस धारा की गति गुना समय होता है, जो भी सॉरी होता है समय, तो समय भी दिया हुआ था। सॉल्व करने पे आपका एक्स का मान कितना आ जाएगा? 3.5 किलोमीटर। और यहाँ एक्स का मतलब ये एक्स माने हुए कौन सी का धारा प्रवाह की गति, या वाई भी यहाँ लिख सकते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वाई ले लीजिए, आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, वाई ले लीजिए, वाई, ठीक है। इसलिए वाई कितना निकल गया? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो बात सीख गए हैं तो आपके लिए एक होमवर्क रहा, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन मत देख लीजिए, तीन अच्छे से देख लीजिए, कुनार कुनार के देखिए। आप लोग एक भी आंसर, कुछ लोग बताते भी हैं लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट खाली देख करके इग्नोर करते हैं। मत कीजिए इग्नोर, इस तरह कीजिएगा जिंदगी भर इग्नोर कीजिएगा। हाँ, इग्नोर करना बंद कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल मतलब x+y दे दिया है, ठीक है, और धारा के अनुकूल इतना,
उसकी वास्तविक चाल, वास्तविक चाल मतलब व्यक्ति की चाल। तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई 16 दे दिया, एक्स प्लस वाई 28 दे दिया। सॉल्व कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक इसका है, जब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दिए ना, तो एक्स निकालने का ट्रिक है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा और वाई निकालेंगे दोनों को घटा करके आधा कर दीजिएगा, तो एक्स एक्स का मान निकल गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अभी इस क्वेश्चन को समझे तो हूबहू आपका इस प्रश्न बनेगा, इसका आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से सारे प्रश्न को आप लोग बना लीजिएगा, मैथ में आपको ज़्यादा डायलॉग नहीं देंगे, आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, अपने माँ बाप का कदर कीजिए और माँ बाप का कदर करने के साथ आप भी खुश रहिए और पढ़ते रहिए मेरे चैनल के साथ जिसका नाम है विक्रम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री एवं कंपटीशन, और अपनी पढ़ाई का रफ्तार दीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई को रफ्तार दीजिएगा तो मैं भी रफ्तार दूंगा। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा और मजा आया, अगर आप कुछ भी थोड़ा सीख पाए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करने भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, मिजाज में रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए।